हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से इंडिया में लॉन्च किए गए नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। टेक्नो की तरफ से टेक्नो का पहला 5G स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 5G फाइनली आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है एंड काफी सही स्पेसिफिकेशन के साथ में काफी तगड़े प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है एंड स्ट्रेट अवे चैलेंज करता है लावा अग्नि 5G को, आईकू Z3 को, रियलमी 8S को एंड साथ ही साथ रेडमी नोट 11T 5G को एंड मोटोरोला G71 को। तो चैलेंज काफी सारे स्मार्टफोन को कर रहा है, काफी सॉलिड प्राइस पॉइंट पर काफी सही स्पेसिफिकेशन टेक्नो ने दिए हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं इसी फोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है एंड क्या ये स्मार्टफोन लेने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, सारी चीज डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक दी गई है, लेकिन अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज किया गया है। प्लास्टिक का बैक आपको मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी सही है, कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है ये चीज हालांकि नहीं बताई गई है, लेकिन डिसेंट बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको मिल जाती है। एंड डिजाइन की अगर बात करें भाई, तो थोड़ा सा एग्रेसिव डिजाइन है लेकिन अच्छा दिखता है भाई। बैक पैनल से अगर देखा जाए, टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा एलईडी दिया गया है, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाता है। उसी कैमरा के साथ में आपको एक स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ में आती है। उसी स्ट्रिप में नीचे की तरफ आपको टेक्नो की ब्रांडिंग मिल जाती है। राइट बॉटम में यहां पर आपको मैनचेस्टर सिटी का लोगो दिया गया है। हाफ टेक्सचर्ड यहां पर आपको बैक मिलता है, हाफ ग्लॉसी बैक यहां पर आपको मिलता है। दिखने में थोड़ा सा एग्रेसिव है लेकिन अच्छा दिखता है भाई फोन। फ्रंट में अगर बात की जाए, तो सेंटर पंचोल के साथ में आपको डिस्प्ले दिया गया है, पतले पतले से बेजल से पतली सी चिन आपको देखने के लिए मिलती है एंड ज्यादा कलर ऑप्शंस आपको मिलते नहीं है भाई, एक ही कलर ऑप्शन दिया गया है जो कि है एथर ब्लैक एंड मेरे हिसाब से ब्लैक के अलावा किसी और कलर में ये स्मार्टफोन अच्छा भी नहीं लगेगा टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो डिजाइन दिया गया है वो काफी अच्छा है एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, खरीद सकते हैं आप फोन को, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी एंड बढ़िया डिजाइन आपको मिलती है। डिस्प्ले की अगर बात करें भाई, तो बहुत ही बड़ा सारा डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिया गया है, 6.9 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया। तो जो फोन है काफी ज्यादा टॉल है, काफी बल्की लग सकता है आपको हाथ में, इन हैंड फील शायद उतना बेटर यहां पर आपको ना मिले सिंगल हैंड यूसेज के लिए, तो डेफिनेटली फोन नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है, 6.9 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड IPS LCD पैनल दिया गया है, AMOLED यहां पर नहीं है, IPS LCD पैनल मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 387 PPI की पिक्सल डेंसिटी यहां पर आपको मिलती है और सबसे अच्छी बात यह है कि HDR का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिल जाता है। HDR वीडियोस आप YouTube पर तो एटलीस्ट प्ले कर सकते हैं YouTube पर तो आप HDR में वीडियोस प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी यहां पर आपको मिल सकता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए तो बहुत सही रहने वाली है एंड गेमिंग के लिए हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको दिया गया है और 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट मिलता है, तो काफी अच्छी बात है भाई। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, साथ ही साथ 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट यहां पर आपको दिया गया है। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की हम बात करें, तो डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए भी सही है, डिस्प्ले गेमिंग के लिए भी सही है, ओवरऑल डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, बढ़िया डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो MediaTek Dimensity 900 चिपसेट की शक्ति यहां पर आपको मिलती है एंड 900 जो चिपसेट है बढ़िया चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंट भी है, हीटिंग का इशू भी आपको काफी कम देखने के लिए मिलता है। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, 2 A78 वाले कोर्स आपको मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स दिए गए हैं, डे टू डे की परफॉर्मेंस मस्त आपको मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए यहां पर आपको ARM Mali G68 MC4 GPU मिलता है, क्वाड कोर GPU है, बढ़िया आपको गेमिंग करा देता है, वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग वगैरह भी ठीक ठाक यहां पर हो जाती है। तो ओवरऑल ग्राफिक्स रिलेटेड परफॉर्मेंस में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको LPDDR5 RAM दी गई है एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है, तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको टॉप नॉच मिलने वाली है भाई, परफॉर्मेंस स्नैपी रहने वाली है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, मस्त टॉप क्लास परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलेगी। कैमरास की अगर बात करें भाई, तो कैमरा सेटअप ऐसा एम आई है यहां पर,
हाँ भाई, कैमरा वैमरा अपने को समझ में नहीं आया इस फोन का, क्योंकि तीन कैमरास का सेटअप तो भले ही से पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का है, विच इज गुड, लेकिन उसके साथ में 2 मेगापिक्सल्स का छोटू दिया गया है। एंड तीसरा कैमरा VGA कैमरा दिया गया है लो लाइट सेंसिंग के लिए। एंड आई डोंट गेट दैट, यहाँ पर आप यही समझ के चलो आपको एक ही कैमरा पीछे की तरफ मिलता है 50 मेगापिक्सल्स का। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। EIS का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन रियर में आपको एक ही कैमरा मान के चलना है कि 50 मेगापिक्सल्स का आपको कैमरा मिलता है। फ्रंट में अगर देखा जाए तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा से आप 1080 pixels में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड शायद यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा में भी स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो मेरे हिसाब से एवरेज कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको दिया गया है। इससे बेटर कैमरा सेटअप आपको बहुत सारे फोन्स में मिल जाते हैं, एवरेज कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है। बैटरी की अगर बात करें तो भाई साहब बैटरी नहीं है इसके अंदर, 6000 mAh का बैटरा लगाया गया है। जी हाँ, 6000 mAh का बैटरा आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो बैकअप आपको सॉलिड मिलने वाला है भाई, 6 नैनोमीटर का चिपसेट यहाँ पर दिया गया है, साथ ही में 6000 mAh का बैटरा दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो भाई, बैटरी बैकअप आपको इजीली बहुत अच्छा मिल जाएगा। नॉर्मल यूसेज पर 1.5 दिन 1.5 दिन का बैकअप आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने फोन को डिस्चार्ज कर देते हैं, फुल डिस्चार्ज अगर आप कर देते हैं 0% पे ले आते हैं, तो भाई साहब टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है आपको चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 18W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो 6000 mAh के बैटरी को चार्ज करने के लिए टाइम बहुत लगेगा आपको। तो ओवरनाइट अगर आप चार्ज करते हैं तो आपके लिए ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपको फटाफट से अगर चार्जिंग चाहिए रहती है तो फिर भाई यहाँ पर आपको उतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर बैटरी मॉड्यूल की बात करें तो मेरे हिसाब से एवरेज बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिलते हैं। सेंसर में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, लगभग सारे सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलता है टेक्नो का बनाया हुआ हाई ओएस 8.0। एंड टेक्नो के ओएस के साथ में समस्या यह है कि ब्लोटवेयर्स भर के आपको मिलते हैं, एड्स भी भर के आपको मिलते हैं, एंड बग्स भी भर के आपको मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। एंड आई होप कि समय के साथ में और बेटर होगा ये सॉफ्टवेयर, लेकिन अभी आपका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से 50-50 रह सकता है। एवरेज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलेगा। स्पीकर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको भाई साहब सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। ये एक ड्रॉबैक है इस फोन का, 20,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर्स दिए गए हैं। एंड उसी के साथ में डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब 2 SIM कार्ड आप लगा सकते हैं, साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस एवरेज 3-4 जगह मैंने बोला है। एंड उसको देखते हुए लगता है भाई कि ये वाला जो स्मार्टफोन है टोटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर चिपसेट भी आपको अच्छा दिया गया है, यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM का सपोर्ट दिया गया है, UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। मतलब अगर आपको गेमिंग करनी है तो डेफिनेटली आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेमोरी फ्यूजन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो 8GB RAM के साथ में 3GB की वर्चुअल RAM आपको मिल जाती है, इफेक्टिवली 11GB की RAM यहाँ पर आपको मिलती है। तो मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, लेकिन जिनको गेमिंग करनी है, जिनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है उनके लिए अच्छे हैं, जिनको ओवरऑल एक ऑलराउंडर फोन लेना है उनके लिए ये स्मार्टफोन नहीं बना हुआ है भाई। इसकी बजाय दूसरे स्मार्टफोन्स में आपको और ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, तो आप उनकी तरफ देख सकते हैं। केवल एक वेरिएंट में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है 8GB + 128GB में, एंड इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस जो रखा गया है वो है 19,999 रुपए। तो प्राइस पॉइंट तो बहुत सॉलिड रखा गया है इस प्राइस सेगमेंट में, ऐसी परफॉर्मेंस आपको किसी और स्मार्टफोन में अभी तक तो नहीं मिल रही है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में, क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।